ही बत्ती नवा शहर देख रहे हो नवशहर विखे सफाई कर्मचारियों वालों सफाई कर्मचारियों की सपोर्ट में समूह जथेबंदियों वालों आरती फूक प्रदर्शन किया जा रहा है। नवशहर के कमेटी घर तो शुरू होकर कोठी रोड निकल रहा है। देख सकते हो सरकार की आरती सफाई कर्मचारियों वालों चकी गई है। समूह जथेबंदियों वालों सफाई कर्मचारियों की सपोर्ट के रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। तुम देख सकते हो प्रशासन भी इतने सुखानी घटना ना वापरे। सफाई कर्मचारियों वालों इतने सफाई कर्मचारियों वालों जोड़ा रोस प्रदर्शन जोड़ा कमेटी घर तो कटिया गया से कोठी रोड तो होंगे हुए अंबेडकर चौंक तो होंगे हुए चंडीगढ़ चौंक विखे पहुँच चुका है। वही गिनती वही गिनती सफाई कर्मचारियों सहयोग करने वास्ते बख जथेबंदियों आई ने जिस वजह के किसान जथेबंदियां आटो वर्कर्स रेहड़ी यूनियन समूह जथेबंदियां सफाई कर्मचारियों के हक में इस रोस प्रदर्शन के कट्ठिया हुई हैं। देख सकते हो वड्डी गिनती दे विच लोग कट्ठे हुए ने इस प्रदर्शन के कैप्टन सरकार की आरती
सफाई कर्मचारी ने चक्की हुई है, तुम देख सकते हो। वड्डी गिनती दे विच सफाई कर्मचारियों नूं सपोर्ट करने वास्ते जां उहनां दे हक दे विच वख वख जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां हुई ने। नवां शहर दे चंडीगढ़ चौंक विखे प्रदर्शन रोस प्रदर्शन हो रहा। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ पत्रकार ने भाई साहब पिछे हो रही है जे आप पिछे हो रही है ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
नवा शहर के चंडीगढ़ चौंक विखे वड्डा रोस प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों के हक के मंगवाउण दे लई वख वख जथेबंदियां दी दे समर्थन दे नाल कीता जा रहा है। ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
थले के कोटे पे बैठे है। साडा संविधान इन्हां नूं उपर चुकण दी गल करदा है, पर साडियां सरकारां जिहड़ियां जिस संविधान दा फायदा उठा के सत्ता दे विच आणियां आ, उहदी दुरवरतों करके गरीब नूं होर गरीब करन वाले पासे जिहड़ियां लै के जा रही आ। सो जिहड़ी लड़ाई है सफाई मजदूर लड़ रहे है, जड़ी लड़ाई संविधान च लिखिया जिहड़ा काम सारा साल चलता उत्थे जिहड़े मुलाजम भर्ती किए जाणगे वह पक्के काम किए जाणगे। फिर यह पक्के क्यों नहीं है? ज्यादा सफाई का काम दो दिन चलता हो, चार दिन चलता हो, संविधान दियां धज्जियां जिहड़ियां उह उड़ा रहे हैं। तो इस करके इस सरकारां दियां साजिशां नूं समझण दी लोड़ है। लड़ाई तां जीती जाणी है, तुसीं औखे से हाथ पाया। यह लड़ाई जिहड़ी पक्के होण वाली लड़ाई, पेंशन वाली लड़ाई, यह कारपोरेट घराणियां दियां नीतियां दे खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई नूं पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसान दिल्ली के बार्डर से भी लड़ रहे हैं, दिल्ली के बार्डर से भी यह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस लड़ाई को जीतने के लिए कोई बड़ी पार्टी बना के असेंबली च जाने की एड्डी बड़ी जरूरत नहीं है। उत्थे जिन्ने गए वो सारे कारोबारी है। पहले बंदे अपना कारोबार दूजी पार्टी को सौंप देते हैं। अकालिया ने अपना कारोबार रेते बजरी का शराब का कांग्रेसियों को सौंप दिता, वो करते हैं। सो गठजोड़ होना चाहिए, कौन गठजोड़ होना चाहिए,
पैसा ता जो अपने विचार रखे हो पैसा मैं एक और बेनती करना चाहता एक बॉर्डर पर जो ड्यूटी करते सफाई अपने सैनिक आ जो अपने सवेरे उठ के सफाई करते हैं ये सफाई सैनिक है जी असं उन्होंने सफाई सैनिक कहते हैं सफाई सेवा नहीं सफाई सैनिक है जी साडे सरपंच कौर संघा जी सूबा प्रधान स्त्री विंग चाबरी मंच मैं इन्होंने भी कहूँगा कि अपने विचार रखा समय की घाट करके थोड़ा एक सौ मिले देख सकते हो ला दो तीली कहते करो स्यापा ये रोस है छोटे छोटे बच्चे भी नाल आए ने अपने मावा जी सपोर्ट कर आए ने जड़िया इतने भैन ने बेचे इधर दिखाइए नाल दी भैन इधर दिखाओ तस्वीर रोस देख सकते हो क्योंकि तकरीबन एक महीने तो बधेरा समा हो गया इन्हों द जड़िया मंगा वाल गौर नहीं किया जा रहा थोड़े दिन पहला भी असं दिखाया सीगा कि इन्होंने नहरू गेट पर जोड़ा मटका तोड़िया सीगा नारे लगा लगा के संघ भी बैठ चुके ने अपनी आवाज़ बुलंद करते करद संघ भी बैठ चुके ने लेकिन आवाज़ नहीं सुनी जा रही सो ये तकलीफा ने इन्हों सीनियर पत्रकार सुलेश जी भी इतने पहुंचे ने न्यूज़ 18 तो स्पैशल कवर कर पहुंचे ने और ये खबर तो न्यूज़ 18 पर भी नज़र आएगी धुआं देखो और हुण इन्हां नाल गल करन दी कोशिश करांगे तकलीफा इन्हां दी जिहड़ियां ने समुचे पंजाब विच हड़ताल चल रही है समुचा पंजाब के जिहड़े वासी ने उह मनदे ने कि इन्हां दीआं मंगां जायज़ हन समुचे पंजाब के लोग ये बिलीव करते हैं कि इन्हां दीआं मंगां जायज़ हन पर फिर भी मंगां वल गौर नहीं किया जा रहा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੇ
सो नाल दी नाल काले कानूनां दे उत्ते भी नारे लग रहे ने, एकता की गल कर रहे ने, अनेकता विच एकता की गल कर रहे ने, किसानां दे हक च गल हो रही है, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद की गल हो रही है। सो एक बार मैं इन्हां नाल गल करन दी कोशिश करदा। सूरज जी एक बार जरूर फिर तो थोड़ा क्लीयर कर दो, अज लगता आरती फूक दी हुण गल सुन लैणगे कि नहीं, हले भी उम्मीद नहीं आ। देखो लगू ब्रह्मिंद्रा ने साडे कोल बुधवार तक का टाइम लिया आ, उन्हें कहा आ भी मैं कैप्टन सरकार जी एजेंडे मीटिंग आ कैबिनेट की मता मैं पा दाँगा। पहुंचो उत्थे तक के नहीं बिल्कुल जी पहुंचना चाहिए आ, अभी तो हम पूरा जोर ला दिता है और एक बंगिया भी पता जी अर्थी बेचारा रहो भी पूरे पंजाब कल हुआ जी अर्थी। एक बार बीबिया ने गल कर लें जी अज चलो लंबे समय तो जेड़िया बेनतियां कर रहे ने कच्चे मुलाजम पक्के करने चाहिए ने। गिल साहब आ जाओ बीबी जी बच्चे भी तंग परेशान ने। जी जी नानी जी की कहना मैं एक गल तुहानू दसना चाहना जेडे ना साडे कैबिनेट मंत्री ब्रह्मिंद्रा जी आ वो नित नवा लारा लाते हैं और बिल्कुल ही न्याणे वर्गिया उदाहरण देंगे ने और सानू ये गल दसते हैं सदके कोठी च कि जे रबड़ तुसी खिचोगे जे टुट के ताडे भी सट लगेगी तो साडे भी लगू। मैं उन्हां अगे ये बेनती करना ये बच्चे वाली उदाहरण देनिया छड्डो जिहड़ा पूरा पंजाब स्ट्राइक से बैठा ये देखो उत्तों सानू डरा रहे हैं कि शहरदार ताडे एंटी हो जाएंगे। रबड़ खिचनी क्यों भाई खिचोगे तो टुटूगी पर रबड़ खिचनी क्यों भाई मैं खिचनी क्यों क्यों पी क्योंकि सानू साडा समाज देखता दबिया कुचलिया समाज देखता और जेडे 15-15 साल तो कच्चे मुलाजम 6500-7000 से तनखा लेके काम कर रहे हैं ता करके रबड़ खिचनी पी और ताडे माध्यम रही मैं दसनी चाहना जी सा 15 तरीक की रैली से उसका सेख लगे उन्होंने परसों एमरजेंसी मीटिंग सदी 5 to 6 बंद मीटिंग सदी साडे जिन्हें पंजाब के अहदेदार से जिन्हें पंजाब के अहदेदार से और उन्होंने भी यही गोली पाई है कि जी पहली डिमांड हैगी है साडी कच्चे बंदे पक्के करो और उन्हें पेंदे सटे ही एक गल कही है कि यह जी पहली डिमांड आ कच्चे कामे पक्के करने की इहदा जवाब मैं तुहानू बुधवार की मीटिंग तो बाद देवांगा और कहते साडे नाल फोटो कराओ स्ट्राइक चक दो असी क्या जी सानू 5 मिनट दिते जाण साडे जिनी भी हाई कमांड उन्होंने अपना टाइम लिया और टाइम लैके बाद उन्होंने यह गल नोट कही कि जिहड़ी साडी 15 तरीक की पटियाले रैली सीगी वह कैंसल करके असी 22 तरीक की कर दी है और संघर्ष साडा इदां ही चलता रहूँगा और गांह तो गांह तिखा हुंदा जाऊगा और मैं तुहाडे माध्यम राही किसानां दा धन्नवाद करना चाहना जिहड़े साडे नाल मोढे नाल मोढा आ के ला के खड़े आ और मैं दसना चाहना शायद तुसीं उस वेले वाइट नहीं ले मेरी किसान धरने से क्यों बैठा वा किसान जमीना बचाने ले नहीं बैठा फसलों बचाने ले नहीं बैठा बचाने ले नहीं बैठा वो साडिया भी नस्लों बचाने ले बैठा इस करके मैं किसानों का धन्यवाद करना चाहना और जिन्हें भी जथेबंदियां आईया उन्होंने भी धन्यवाद करना चाहता सूरी साहब ताडा भी धन्यवाद करना चाहता जिनी भी खिचनी पई वो अभी खिचांगे ये तो ज्यादा दिल्ली तो इलाके अमृतसर तक खिंच देंगे बचू मुड़ के बजू वापसी जी सानू कहना जी धमकी दिता है मुड़ के ओर मुँह से ही बजूगी रावट। एक चीज़ मैं होर दस देना इन्होंने गल की असं भी विचरते हैं सारा शहर ये कह रहा कि असी जे साडे सफाई कर्मचारी वीर उन्होंने नाल आ भैणा के नाल आ सरकार मंगा मननिया चाहिए इन्होंने साढ़े जिला प्रधान की भी सुन लो जी सरकार बिल्कुल इन्होंने मंगा मननी चाहिए
तो मैं अपने शहर वासियों दुख च देख के जिहड़ा सूरी साहब तुहाडी देखी सी लाइव उन्हां दा कूड़ा देख के साडा अपना मन परेशान हुंदा भई उन्हां दी दुकानां दे अंदर तक जाण दा अपनी माफी मंगदे इस चीज की भी जो करना हैगा यह सरकार दा साडी मजबूरी आ साडी मजबूरी करके आ लेकिन साडे शहरदारा ने साडा बहुत साथ दिता ते इसलिए इहनां दा थैंक यू गिल साहब तुसीं कुछ कहना चाहोगे असीं अज लगभग एक महीना एक दिन हो गया वा साढ़े सफाई सेवक जो कि रोस प्रदर्शन धरना मुजहरे से बैठे आ सरकार ने अज तक साड़ी हले कोई मंग नहीं ना मनी आ ना गौर की आ ना कि साढ़े तक कोई इन्होंने मैसेज पहुँचाया वा बस सानू एक लॉलीपॉप दे रहे आ भी असी तुहाडियां गल मंगा मान लांगे भी दिन बाद तो तुसी अपना धरना मुजहरा चक लो इस जिन्हें भी तुहाडे सफाई सेवक आ वो अपने दोबारा नौकरी से आ जाए पर असी सरकार तो बेनती करते हैं भी 65-100 रुपए के क्या कोई परिवार अपने पाल सकता वा COVID-19 की बीमारी के भी इस साडे सफाई सेवकों ने बद चढ़ के मोहरे सेवा की आ जिनी प्रशासन ने की आ जिनी डॉक्टर ने की उस तो बद साडे सफाई सेवकों ने की वॉरियर किया गया तुहानू पिछले साल और अज कोई हाल नहीं बच रहा देख लो तुहाडे सामने आ पिछली बार सानू करोना वॉरियर कहिंदे सी यही सफाई सेवक जो अवार्ड लिया योधे कहे गया योधे भी कहे गए सफाई सैनिक भी कहे गया पर अज सानू कोई पुछता नहीं आ कारण की आ कारण यह भी जे क्योंकि असं अपने बच्चों का हक मंगते हैं ना कि असी किसी परेशान करते असी शहरदारा का भी तहत लोग धन्यवाद करते हैं जोड़े शहरदार साढ़े सफाई सेवकों साढ़े समाज ना मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़े आ सानू नहीं और सरकार निंदते सरकार माड़ा कहें भी सरकार इन्हों की गल क्यों नहीं सुनती आ क्योंकि साढ़े लोग सवेरे उठ के दुकाना खोलने तो पहला सफाई करते एडी महामारी असी भी सानू भी पता वा भी एडे एडे शहर के कूड़े ढेर लग गया होर बीमारी उठन का चांस आ असी सरकार तो बेनती करते हैं भी जी 15 की असी साड़ी रैली रद्द नहीं हुई आ पोस्टपोन हुई आ रद्द होता खत्म पर साड़ी पोस्टपोन हुई आ अगे असी रणनीति तैयार करनी आ जे सरकार ने साड़ी गल नहीं मनी है जे मन ली फिर 22 की रैली नहीं होगी जे मन ली जे मन ली तो फिर नहीं होगी फिर तो असं उन्होंने भी धन्यवाद करा भी शुक्र आ कुंभकर्ण नींद जागी रही है सरकार अज एक महीना एक दिन हो गया सानू जा नींद तो जागी आ कि जा सुपने कुछ होर ने कि कुर्सी मैं लैनी है जा सिद्धू नवे भी अपने रेड़ के नहीं मुकरे मैं तो यही देखी जाता हले यही आपस ही लड़ी जाते हैं साढ़े वाल तो इन्होंने क्या ध्यान देना वा मैं इन्होंने यह कहना भी पहला लड़ाई अपनी बाद चो लड़ लियो पहला साड़ी गल सुन लन फिर तुम लड़ते रहे हो नैतिकता की गल करा एस एच ओ साहब ने एक छोटी जी अपील की कैमरे के पिछे उस वेले सारे साइड से आ गया राह दिता राहगीर यह अनुशासन की गल है नैतिकता की गल है डिसिपलिन की गल है ये कदर करनी चाहिए देखो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे अपना धरना प्रदर्शन किया उदो भी एंबूलेंस लिए जगह छड़ी है सारे लिए जगह छड़ी है और जो हम अपील की छोटी जी ना ही आप साइड से आगे गलबात कर रहे हैं तो यह भी चंगी गल है एक मैं धन्यवाद करना चाहना जेडे राहो कमेटी तो और बंगा कमेटी तो बलाचौर कमेटी तो आए थे साडे यूनियन के मैंबर मैं कहना चाहना कि उन्होंने भी 2 मिनट राय ले जाए साडे प्रधान जी खड़े बंगे तो स्पैशल सानू कॉल करके सद्या तुहाडी कॉल जी आई सी सर तुसीं हाँ जी मैं सरकार नूं इह अपील करना चाहना भी जिहड़ी मंगा साडियां भी उह साडे मंगा वल ध्यान क्यों नहीं दे रही अज तो सानू 33 दिन हो गए हड़ताल दे बैठिया नूं एक पासे सानू वो कह रहे हैं भी महाराज करोना दे साडे भी नारे हार पाए जान पुलिस मुलाजम भी पहलधार ते आ हुण उसी काम नूं साडे वो पिछे छड्डी जा रहे आ 33 दिन हो गए तो भी 33 वाला पास हो जाता हाँ जी हाँ जी 33 वाला पास हो जाता मैं सरकार नूं यह कहना चाहना भी वह सफाई मुलाजम मरीज सुनते नहीं हुण साडे एक केस नवा आया साडे DSP साहब मोहाली दे उन्हारे इलाज वास्ते सरकार ने उन्हां नूं कुछ नहीं दिता पिया जो साढ़े सफाई 4 क्लास नूं नहीं दे रहे वो हाई क्लास बंदे नूं नहीं दिता पिया क्योंकि सब एक सानू इस्तेमाल करन वास्ते इन्हां ने मोहरे किया पिया सानू सफाई वालियां नूं ते पुलिस वालियां नूं मैं सरकार पिछले साल नूर नाल गल हो गई सी लेकिन DSP दी गल नहीं सुनी गई DSP दी जिहड़ी साडे ओह साडे गुर भाई भी आ साडे भरा भी आ साडे असी ओह देखिया असी ओह वीडियो उन्हां दी उन्हां ने कैप्टन साहब नूं अपील की भी मेरे इलाज लई मेरा PF जिहड़ा आ भी मैनूं दिता जावे ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PF ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ
ਵੇਲਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ DSP ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਏ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਬਿੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਨੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਬੁਰਸ਼ ਤੱਕਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਟੂਬ ਤੱਕਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ। 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਭੇਦਭਾਵ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਮ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ GST ਆ ਗਈ, ਫਿਰ NRC ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਸੂਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਪੱਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਸਟਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਮਰਥਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਉਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ